नमस्कार, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। दोस्तों, महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की और उन्होंने मानव इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की गाथा को ग्रंथ बना दिया। पर क्या आप जानते हैं कि महर्षि व्यास कब और कैसे पैदा हुए? जी हाँ, वो किस कुल के थे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी संतानें अगर थी तो वो कौन थी? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं महर्षि व्यास के जन्म की कहानी और साथ ही साथ इससे आपको ये भी पता चलेगा कि महर्षि व्यास और भीष्म में क्या संबंध था, क्या वो दोनों भाई थे, क्या ये दोनों शांतनु की संतानें थे। गंगा शांतनु को छोड़कर स्वर्ग लोक वापस जा चुकी थी, साथ ही अपने पुत्र भीष्म को भी साथ लेकर गई, लेकिन इस वादे के साथ कि वो उसको गुरु परशुराम से शिक्षा दिलवाकर उन्हें वापस हस्तिनापुर भेज देगी। गंगा के जाने के बाद शांतनु को सत्यवती नामक एक मछुआरन से प्रेम हो गया, लेकिन वो मछुआरन कोई साधारण कन्या नहीं थी। दरअसल वो उपरिचर नामक राजा की पुत्री थी। एक बार राजा आखेट करने गए, आराम करते समय अपनी पत्नी का ध्यान किया और स्खलित हो गए। वीर्य बेकार ना जाए इसलिए उन्होंने उसे पत्ते में लपेटकर एक तोते को दे दिया और आदेश दिया कि उनकी रानी तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन रास्ते में ही तोते पर एक चील ने हमला किया और वह वीर्य नदी में गिर गया, जिसे एक मछली ने खा लिया। ये मछली गिरिका नामक अप्सरा थी, जो ब्रह्मा के श्राप के चलते धरती पर आई थी, जिसे मुक्ति मनुष्य रूपी बच्चे पैदा करने पर मिलने वाली थी। कुछ दिनों बाद उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और उसके पेट से दो बच्चे यानी कि एक बेटा और एक बेटी मिले। इन बच्चों को मछुआरे वहाँ के राजा उपरिचर के पास ले गए। महाराजा ने उनका जो बेटा था वो तो रख लिया, लेकिन बेटी को मछुआरों के मुखिया को दे दिया और इसी मुखिया ने उस बेटी का लालन पालन किया। जी हाँ, ये बेटी सत्यवती थी, जो शांतनु की दूसरी पत्नी बनी। सत्यवती को मछुआरों ने पाला। वो एक अप्सरा की बेटी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन एक मछली के अंदर से वो निकली थी, इसके लिए उसके शरीर से बहुत ज़्यादा मछली की दुर्गंध आती थी। लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। ये नाम उसका चिढ़ाने के लिए रखा गया था। मत्स्यगंधा लोगों को नाव से नदी पार कराती थी। एक दिन उसकी नाव में पराशर ऋषि नदी पार कर रहे थे। नदी के बीचों बीच उन्होंने मत्स्यगंधा से संभोग कर पुत्र प्राप्ति का प्रस्ताव रखा। इस पर मत्स्यगंधा ने कहा कि ऐसा करने से मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा। तब पराशर ऋषि ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, बालक तुरंत पैदा होगा और नदी पार करते ही तुम दोबारा कुंवारी बन जाओगी। लोगों की नजरों से बचने के लिए मैं नाव के चारों ओर धुंध फैला दूंगा और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। साथ ही संतान पैदा करने के बाद तुम्हारे शरीर की दुर्गंध भी खत्म हो जाएगी और तुम सदैव सुगंधित रहोगी, जिससे पुरुष तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। ऋषि पराशर के इस प्रस्ताव को मत्स्यगंधा यानी कि सत्यवती ने मान लिया और एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका लालन पालन ऋषि पराशर के आश्रम में हुआ। यही बालक आगे चलकर महर्षि व्यास बने, जिन्होंने महाभारत की रचना की और यही कौरवों के जन्म का कारण भी बने। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से भीष्म और महर्षि वेदव्यास का संबंध था। दरअसल गंगा के जाने के बाद शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन वो भी मत्स्यगंधा की सुंदरता और आकर्षित करने वाली सुगंध से रूबरू हुए और उनसे प्रेम करने लगे। पराशर ऋषि के वरदान ने मत्स्यगंधा को हस्तिनापुर की रानी बनवा दिया। चूंकि भीष्म शांतनु के पुत्र थे और मत्स्यगंधा उनकी दूसरी माता और व्यास मत्स्यगंधा के पुत्र थे, इस तरह व्यास और भीष्म दूर से ही सही लेकिन भाई थे। आगे चलकर अपनी माता के आदेश को मानते हुए व्यास अंबिका और अंबालिका से संबंध बनाकर कुरु वंश को आगे बढ़ाते हैं। उनके कारण ही धृतराष्ट्र और पांडु के साथ साथ विदुर का जन्म होता है। इतना ही नहीं, व्यास के आशीर्वाद से ही गांधारी 100 पुत्रों की मां बनी। तो कथा में आपको पता चला किस तरीके से भीष्म और वेदव्यास भाई तो थे, लेकिन सगे नहीं या फिर सौतेले भी नहीं। शांतनु के एक पुत्र थे भीष्म, लेकिन उनकी सौतेली माँ से पुत्र हुए व्यास, कहीं ना कहीं दूर का नाता जरूर था।
ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाकर आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।